आसनसोल दक्षिण के विधायक अग्निमित्रा पाल के नेतृत्व में रानीगंज थाने के निमचा पुलिस फाड़ी का घेराव किया गया। विधायक अग्निमित्रा पाल बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस फाड़ी के समक्ष धरने पर बैठ गई और बालू लदे वाहन की चपेट में आने से मारे गए व्यक्ति के आश्रितों को मुआवजा देने की मांग की। आसनसोल दक्षिण विधानसभा क्षेत्र की बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पाल के नेतृत्व में मंगलवार की शाम रानीगंज थाने के निमचा पुलिस फाड़ी का घेराव किया गया। विधायक अग्निमित्रा पाल बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस फाड़ी के समक्ष धरने पर बैठ गईं और बालू लदे वाहन की चपेट में आने से मारे गए एक व्यक्ति के आश्रितों को मुआवजा देने की मांग की। इलाके में बालू तस्करी पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाने की मांग की गई। बाद में विधायक ने निमचा पुलिस फाड़ी के अधिकारी से मुलाकात की और उनके समक्ष मांगों को रखा। जानकारी के अनुसार निमचा इलाके में लगभग एक सप्ताह पहले बालू लदे वाहन की चपेट में आने से मंगल घोष नामक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए थे। अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था, जहां मंगलवार को उनकी मौत हो गई। उनकी मौत की खबर सुनते ही विधायक अग्निमित्रा पाल पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ निमचा पुलिस फाड़ी पहुंची और मृतक के आश्रितों को उचित मुआवजा देने की मांग पर प्रदर्शन किया। विधायक ने सवाल उठाया कि आखिर मंगल घोष का क्या कसूर था कि उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी। उनका दोष सिर्फ इतना था कि वह उस मार्ग से गुजर रहे थे जहां से बालू लदे ट्रक व डंपर और ट्रैक्टर आवाजाही करते हैं। उनकी मांग है कि मृतक के आश्रितों को उचित मुआवजा दिया जाए। अब तक इसी इलाके में बालू लदे वाहनों की चपेट में आने से 3 लोगों की मौत हो चुकी है। उन्हें ये भी जानकारी मिली है कि इससे पहले जिन लोगों को मुआवजा राशि का चेक दिया गया है वो चेक बाउंस हो गया था। मृतकों को मुआवजा भी नहीं मिला है। उन्होंने पूछा कि निमचा क्षेत्र में दामोदर नदी से जो बालू खनन किया जा रहा है आखिर किसकी अनुमति से हो रहा है। पुलिस को भी बालू खनन से जुड़े अनुमति पत्र दिखाने पड़ेंगे। विधायक अग्निमित्रा पाल ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर अवैध बालू खनन एवं तस्करी बंद नहीं किया गया तो और जोरदार आंदोलन किया जाएगा। अगर ओवरलोड बालू परिवहन किया जाएगा तो किसी भी हाल में बालू लदे वाहनों को रास्ते से जाने नहीं दिया जाएगा। राम बाबू यादव की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। खुले एवं स्वच्छ वातावरण में घर बनाने का सपना पूरा करने के लिए गोविंदो धाम लेकर आया है ड्रीम हाउस प्रोजेक्ट, वो भी रानीगंज जामुड़िया शहर के बिल्कुल निकट NH-60 से महज कुछ कदमों की दूरी पर। कुनस्तोड़िया तपसी पेट्रोल पंप के निकट गोविंदो धाम में आपको मिलेंगे उचित कीमत और आसान किश्तों पर प्लॉट्स और डुप्लेक्स। गोविंदो धाम प्लॉट में 24 फीट रोड के साथ टेंपल पार्क, किड्स प्लेइंग एरिया और भी बहुत कुछ उपलब्ध होगा। गोविंदो धाम रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स से महज 4 किलोमीटर के दायरे में रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, मार्केट, हॉस्पिटल, स्कूल की सुविधा होगी उपलब्ध। गोविंदो धाम में प्लॉट्स और डुप्लेक्स बुक करने वालों को मिलेंगे अट्रैक्टिव गिफ्ट्स। तो फिर देर किस बात की, आपके सपनों को पूरा करने गोविंदो धाम लेकर आया है ड्रीम हाउस प्रोजेक्ट। संपर्क करें 9332202961,
7001804855।